अभी की एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आ रही है, जहां नक्सली हमला हुआ है, 10 जवानों के शहीद होने की खबर है। दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र के अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर यह हमला हुआ है। अनुराग है हमारे साथ। अनुराग, इस पूरी खबर को विस्तार से बताएं। सुबह इनको सूचना मिली थी, और अभी मैं बार बार बता दूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम अभी तक जानकारी आ पाई है शारिक, तो ये अरनपुर का जो इलाका है, आपको याद होगा ये वही इलाका है जहाँ दूरदर्शन के कैमरा पर्सन को भी निशाना बनाया गया था। जब पिछले चुनाव में हम लोग गए थे तो आखिरी गांव तक गए थे और वहीं पर बम विस्फोट हुआ था, और उसके बाद सीआरपीएफ की टीम हमको भी लेकर भागी थी। तो ये वही इलाका है यहाँ पर ये माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना मिली थी, और इसके बाद दंतेवाड़ा से जो डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये राज्य पुलिस बल होता है, ये राज्य पुलिस ने जो सरेंडर नक्सली है उनकी तैनाती से फोर्स बना हुआ है, इन लोगों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए वहां रवाना किया गया था। लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे उसी दौरान माओवादियों ने अरनपुर का जो रास्ता है वहां पर एक आईईडी विस्फोट किया है, और अभी जो जानकारी मिल रही है कि इस अभियान में जो शामिल 10 डीआरजी के जवान थे उनकी मौत हो गई है, और एक जो ड्राइवर था गाड़ी का वो भी शहीद हुआ है इस हमले में। तो अभी तक कुल 11 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें 10 जवान डीआरजी के हैं, और ये घनघोर नक्सली इलाका है दंतेवाड़ा का, जहां पर इससे पहले भी इस तरह के कई विस्फोट हुए हैं। पिछले चुनाव के वक्त जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो ये वही इलाका है, उसके आसपास का इलाका है जहां पर बीजेपी के जो इकलौते विधायक थे बस्तर से भीमा मंडावी, उनके काफिले में विस्फोट किया गया था, और भीमा मंडावी सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी उस हमले में भी। तारीख अनुराग जरा समझाइएगा कि जब सूचना मिली तो ये क्या उसी रास्ते से गए और जब लौट रहे थे तब ये विस्फोट हुआ? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि जब वो लौट रहे थे तब वहां से ये विस्फोट हुआ है, और ये बहुत इस इलाके में पहुंचना भी आसान नहीं है। अभी मैं ये नहीं बता सकता कि क्योंकि बहुत एसओपी का पालन बहुत सख्त होता है, तो जिस रास्ते से गए क्या उसी रास्ते से लौटे थे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसी वजहों से भी सुरक्षा बल के लोगों को निशाना बनाया जाता है। और ये जो महीना होता है खास करके टीसीओसी, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा नक्सली हमले इसी दौरान होते हैं, जब इस पूरे महीने को इस पूरे दौर को जो वहां पर टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जब चलाते हैं नक्सली। दरअसल ये वो महीना होता है जब फसलों की कटाई हो जाती है तो उनको काडर भी मिल जाता है, दूर दूर तक जंगल में देखना उनके लिए आसान हो जाता है, पतझड़ का मौसम होता है, तो इस दौरान आप देखेंगे कि सारे बड़े नक्सली हमले ज्यादातर इस दौरान ही होते हैं। कुछ ही दिनों पहले वहां पर लोगों ने आरोप लगाया था कि उनके ऊपर ड्रोन से बमबारी की जा रही है और वो लघु वनोपज के लिए नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के सूत्रों ने हमसे बताया था कि ये माओवादियों की तरफ से, क्योंकि एक प्रेस नोट भी आया था कि उन पर ड्रोन हमला हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की भी कोशिश थी। तो जो टीसीओसी का पीरियड होता है शारिक, इसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर सारे बड़े नक्सली हमले इसी दौरान हुए हैं।